Hey guys, कैसे हैं आप सब? I am back with another video और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है. टॉपिक है एक मूवी जो नई नेटफ्लिक्स में आई है और जिसने काफ़ी ज़्यादा रेव क्रिएट किया है. उस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ आपके साथ. मूवी का नाम है द गेम चेंजर्स और मूवी जिस टॉपिक पे बात करती है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है द इम्पॉर्टेंस एंड द गुड पॉइंट्स, द गुड इफेक्ट्स, द अल्टीमेट इफेक्ट्स ऑफ अ वीगन डाइट. तो देखिए, आजकल ये चीज़ बहुत चर्चा में है. विराट कोहली हमारे इंडियन टीम के क्रिकेटर जो है, आई मीन इंडियन टीम के जो कैप्टन है, वो भी वीगन टर्न हो गए हैं रिसेंटली और वीगन डाइट बहुत ज़्यादा रेव क्रिएट कर रही है. तो गेम चेंजर्स मूवी जो नेटफ्लिक्स में आई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो एक डिफरेंट यू नो एस्पेक्ट प्रोवाइड करती है आपको. जो आप जिस तरह की आप डाइट लेते हैं, तो मूवी बहुत ही यू नो अच्छी तरह बनाई गई है. मूवी पे बहुत सारे एग्जाम्पल साइट करे गए हैं ये दर्शाने के लिए, ये बताने के लिए कि जो वीगन डाइट है उसका क्या इम्पोर्टेंस है आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में. तो ये मूवी जो मैं पहले मूवी के बारे में अगर बताऊँ तो मूवी प्रोड्यूस करी है जेम्स कैमरन ने, जिन्होंने अवतार मूवी बनाई थी, और साथ में को प्रोड्यूस करी है आर्नोल्ड स्क्वार्ज़नेगर जो खुद वीगन हो चुके हैं, जैकी चेन, इन सब लोगों ने. तो मूवी बहुत ज़्यादा बढ़िया तरह बनाई गई है. जेम्स विल्क्स एक एमएमए फाइटर हैं जो कि मूवी के नरेटर हैं, जो कि रिसेंटली एक इंजरी, जिनको एक इंजरी हो जाती है, और वो इज एन एलीट यू नो जो एलीट फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज या कोई भी फोर्सेज, उसको ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेन भी करते हैं हाउ टू फाइट, हाउ टू कॉम्बैट, कॉम्बैट स्किल्स में उनको हेल्प करते हैं. तो उन्होंने वो नरेटर हैं मूवी के, जो ये बता रहे हैं कि वीगन डाइट का क्या इंपॉर्टेंस. देखिए, मूवी में कहीं भी वीगन, वेजिटेरियन ये वर्ड्स नहीं यूज करे गए हैं. मूवी शुरू होती है एंड हमें डिफरेंट एथलीट्स का लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, जैसे कि साइक्लिस्ट्स, प्रो एथलीट्स, स्ट्रॉन्ग मैन और बॉडी बिल्डर्स और डिफरेंट एथलीट्स को दिखाया जाता है कि किस तरह से जब वो वीगन टर्न हुए हैं तो उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं फॉर द गुड. कुछ एग्जांपल्स जो साइट करे गए हैं वो ऐसे हैं कि यू नो अगर आप वीगन डाइट लेते हैं तो आप की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, यानी कि अगर आप नॉन मीट बेस्ड डाइट, वीगन डाइट का मतलब अगर मैं सिंपल बताऊँ तो इट डजेंट इंक्लूड एनी मीट बेस्ड फूड एज वेल एज नो डेयरी प्रोडक्ट्स, तो ये एक वीगन डाइट होती है. तो इसमें वो बताया गया है किस तरह से अगर आप वीगन डाइट लेते हैं या फिर अगर आप नॉन मीट डाइट लेते हैं तो आपकी कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम हो जाते हैं, आपकी आर्टरीज में ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, आपका बीपी कंट्रोल में आ जाता है. तो ऐसे कुछ फैक्टर्स इस मूवी में दिखाए गए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. कुछ चीज़ें देखिए ऐसी भी हैं जिसपे आप यू नो यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन, जैसे कुछ चीज़ें इसमें ऐसी बोली गई है कि जो अर्ली एंसेस्टर्स, हमारे अर्ली केवमैन या फिर अर्ली जो ह्यूमन बींग्स थे, वो सारे वेजिटेरियंस थे या फिर वो वीगन्स थे, वो प्लांट बेस्ड डाइट को लेते थे, क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट एक ऐसा वर्ड है जो मूवी में बहुत ज्यादा यूज करा गया है. दूसरी चीज जो मुझे एक थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लगी मूवी में, इसमें कुछ ऐसा बोला गया है कि यू नो उसमें ऐसा दिखाया गया है, आई मीन टू से, कि आपकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होती है अगर आप एक वीगन डाइट लेते हैं. तो उन्होंने कुछ टेस्ट परफॉर्म करे हैं ये बताने के लिए कि वीगन डाइट कितनी अल्टीमेट डाइट है, किस तरह से वो यू नो आप. और दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ में बताई गई है कि जो अमीनो एसिड्स की हम बात करते हैं, हम जब भी हम किसी भी यू नो हम बिकॉज हम इसमें एथलेटिक परफॉर्मेंस बताई गई है, तो कोई भी एथलीट जब परफॉर्म करता है तो ही टॉक्स अबाउट द प्रोटीन इनटेक, जो प्रोटीन क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो लेता है. तो इसमें यह बताया गया है जो कंप्लीट अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स आपके एक नॉन प्लांट बेस्ड यानी कि मीट डाइट में होते हैं, वो आपको वेज या फिर वीगन डाइट में भी मिल जाते हैं. आप डेफिनेटली विद अ ब्लेंड ऑफ फूड अगर आप करें तो कंप्लीट अमीनो एसिड्स आपको मिलते हैं, कंप्लीट प्रोटीन आपको मिलता है, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन गुड अच्छा होता है. एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, वो जो बोलना चाहूँगा, वो जरूर बोलना चाहूँगा कि इसमें ऐसा बोला गया है कि जो ग्लूकोज है दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन इसमें यह लिखा गया, ये बताया गया है कि जो ग्लूकोज है उसी की वजह से आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है. तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रोटीन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है. इसमें कुछ एग्जांपल ऐसे दिए गए हैं कि कुछ एथलीट्स का स्टेमिना कितना 2-fold, 3-fold इंप्रूव हो गया है अगर आप वीगन डाइट को लेते हैं. तो ऐसी बातें बहुत सारी साइट करी गई हैं मूवी में कि किस तरह से वीगन डाइट इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट डाइट्स आपको यू नो एक सुपर ह्यूमन बनाने में या फिर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में. देखिए, मेरा ये सिर्फ ये मानना है, अगर मैं आपको सिंपल फैक्टर्स बताऊं तो मेरा ये सिंपल मानना है कि मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, आई एम अ वेजिटेरियन बट आई एम वेजिटेरियन एज वेल, एट टाइम्स मैं एग भी कभी कभी खा लेता हूं. मेरा ऐसा मानना है कि डाइट डेफिनेटली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है, आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल को इंप्रूव करती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो
इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ डाइट इम्पॉर्टेंट है. आई मीन टू से आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप किस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, आपके जीन्स, आपके जेनेटिकली आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ये सारे फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो आपको एक अच्छा एथलीट बनाते हैं. तो देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि मूवी में कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि भैया तुम वीगन डाइट ही लो, लेकिन डेफिनेटली वीगन डाइट्स के फायदे आपको मूवी में बताए गए हैं. तो पहली बात तो मैं आप सबसे बोलूँगा कि ये मूवी ज़रूर देखिए, क्योंकि एक डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट, एक डिफरेंट आपको एस्पेक्ट आपको ये दिखाती है आपकी जो भी मतलब मीट खाते हैं या जो भी यू नो नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट बताया गया है कि किस तरह से ये आपको आपके हेल्दी बींग में आपकी हेल्प करती है वीगन डाइट. तो मेरा ये मानना है कि अगर आप यू नो वीगन नहीं हो सकते, तो मैं तो मेरे लिए भी वीगन होना डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर मैं पनीर ना खाऊं, अगर मैं मिल्क प्रोडक्ट्स ना खाऊं, तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंप्लीट माय प्रोटीन इनटेक. लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप ट्राई कर सकते हैं, यू नो एट टाइम्स आप वीगन हो जाएं, कुछ टाइम के लिए वेजिटेरियन खाएं, एंड देन यू बाउंस बैक टू द नॉर्मल डाइट जो आप लेते हैं, ताकि आपकी बॉडी भी एक रिबाउंड स्टेट, एक रीबूट स्टेट में आए और बेटर इंप्रूव करे. तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आप मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए. आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर, be healthy and enjoy.